वेलकम टू द मास्टर क्लासेस डी स्टूडेंट्स तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था मौरियन डायनेस्टी और उसके अंडर जो तीनों किंग्स थे चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसारा और अशोका और उनकी लाइफ के बारे में हमने पढ़ा था नाउ इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मोरियन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि उस टाइम का जो मौरियन एडमिनिस्ट्रेशन था वो किस टाइप का था उस टाइम पर किस टाइप की गवर्नमेंट थी किस टाइप का फाइनेंशियल सेटअप था किस टाइप की इकोनमी थी ये सब चीजें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे देखिए अशोका के टाइम पे मोरियन अंपायर ने लगभग कंप्लीट इंडिया को कवर कर दिया था और उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी मोरियन एडमिनिस्ट्रेशन में वो एक हाईली सेंट्रलाइज गवर्नमेंट थी एक सेंट्रल गवर्नमेंट थी जैसे कि आज के टाइम में पीएम होता है और उसके साथ में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है और वो मिलकर पूरे कंट्री के लिए डिसीजंस लेते हैं वैसे ही उस टाइम पे भी क्या था कि किंग हुआ करता था और किंग के साथ एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुआ करती थी जिसे कहा जाता था मंत्री परिषद और मंत्री परिषद का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता था किंग को असिस्ट करना इन द एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स देखिए कोटलिया ने मोनार्की को सपोर्ट किया था वो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे लेकिन उन्होंने कहीं पे भी ऐसा नहीं कहा था कि मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ये एब्सल्यूट होगी क्योंकि किंग के ही डिसीजन एब्सल्यूट नहीं होंगे किंग को अपने डिसीजन लेने के लिए उसके साथ जो मंत्री परिषद है उसकी एडवाइस लेना भी जरूरी था मोरिन एडमिनिस्ट्रेशन मंत्री परिषद में चार बड़े इंपॉर्टेंट लोग थे जिसमें प्रोहिता महामंत्री सेनापति और युवराज ये चार लोग असिस्ट करते थे किंग को डिसीजन मेकिंग में इनके अलावा अमत्त्याज अमत्त्याज जो थे वो आज के टाइम के सिविल सर्वेंट्स की तरह होते थे जैसे आज के टाइम में डी है तहसीलदार है बी है इस टाइप के उस टाइम पे जो प्रोफेशनल्स होते थे उन्हें कहा जाता था अमत्त्याज तो ये क्या करते थे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क था उसे इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते थे देन रेवेन्यू डिपार्टमेंट रेवेन्यू देखिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि इस टाइम पे एक फिक्स्ड रेवेन्यू स्टार्ट कर दिया गया था चंद्रगुप्त मौर्य अंपायर में और वो जनरी रहता था वन बाई सिक्स था, था, था प्रोड्यूस तो जो भी फार्मर प्रोड्यूस करते थे उसका वन सिक्स जो था वो इन द फॉर्म ऑफ टैक्स जो थे वो किंग को दे देते थे और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के चीफ को बोला जाता था समारता ये फैक्चुअल क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के चीफ का आ, क्या कहा जाता है तो ऑप्शन दे दिए जाते हैं डिफरेंट समार या फिर सम्हारता लिखा होगा आगे डिफरेंट ऑप्शन दिए हो तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है कि समाहर्ता होता था चीफ ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट देन आर्मी मौरियन अंपायर के पास एक बहुत बड़ी आर्मी थी और आर्मी को जनरली उन्होंने तीन चार विंग्स में डिवाइड किया हुआ था जिसमें इन्फेंट्री कैवलरी एलिफेंट्स और चैरियर्स इन चार विंग्स में आर्मी डिवाइड रहती थी एक पैदल चलने वाली आर्मी होती थी दूसरी घोड़सवार आर्मी होती थी तीसरी हाथियों पे आती थी और फोर्थ वन जो थी वो रथ पे जो जंग करने के लिए होती थी तो ये चार विंग्स थे आर्मी के। इनके अलावा मोरियन अम्पायर में एक बहुत अच्छी नेवी भी थी इनके पास और सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट के लिए भी अलग से इनकी आर्मी रहती थी आर्मी के चीफ को कहा जाता था और ये सेनापति जो था ये मंत्रिपरिषद में भी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पोस्ट थी वो था अध्यक्ष अध्यक्ष का काम होता था होलसेल प्राइस या रिटेल प्राइस ऑफ गुड्स का जो था वो फिक्स्ड है इंश्योर करें कि जो प्राइसेस हैं वो एग्जैक्टली exactly वैसे ही लगाए जा रहे हैं जैसे किंग ने बताया है ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती से बड़े हाई प्राइस लगाए जा रहे हैं या चोरी चकारी हो रही है मार्केट में तो ये अध्यक्ष लोग जो थे वो ये चीज़ देखते थे दैन जो जुडिशियल सिस्टम था उस टाइम पर आप देखेंगे ये वेरी सिमिलर था आज के टाइम का सुप्रीम कोर्ट होता था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को धर्मातिकरण बोला जाता था ऐसे ही सिविल मैटर्स के लिए और क्रिमिनल मैटर्स के लिए अलग अलग कोर्ट्स थे और फिर इनके सबार्डिनेट कोर्ट्स होते थे लोअर कोर्ट्स होते थे वहाँ पे लोग अपनी अर्जी रखते थे वहाँ पे इंसाफ़ नहीं मिलता तो फिर ऊपर हायर कोर्ट में जाते थे तो इस टाइप का कोर्ट का जो जुडिशल सिस्टम था वो मौर्य अम्पायर में था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन तो हमने देख दिया लेकिन अब इतनी बड़ी अम्पायर को एक एक पॉइंट पे बैठ के एक सेंट्रल कैपिटल में बैठ के वहाँ से पूरी अम्पायर को एडमिनिस्ट्रेट करना मुश्किल था तो इसलिए मौर्य अम्पायर को फोर प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया गया था तकसीला उज्जैन सवर्नगरी एंड कलिंगा ये चार प्रोविंस थी मौरिन एम्पायर में और हर एक प्रोविंस में एक गवर्नर अपॉइंट किया जाता था और जनरली जो गवर्नर होता था वो रॉयल फैमिली का मेम्बर होता था जनरली वो किंग का भाई या उनका रिलेटिव ही गवर्नर अपॉइंट किया जाता था और गवर्नर का काम होता था अपनी प्रोविंस से टैक्सेस कलेक्ट करना और वहाँ पे लॉ एंड आर्डर सिचुएशन मेंटेन रखना ये काम रहता था गवर्नर का कि वहाँ पे अगर हम बात करें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तो उससे कैसे एडमिनिस्ट किया जाता था कि एक विलेज के हेड को बोला जाता था ग्रामीणी ग्रामीणी का काम होता था विलेज में लाइन एड सिचुएशन मेंटेन रखना देन ग्रामीणी के ऊपर होता था गोपा गोपा के अंडर आते थे दस से पंद्रह विलेज दस 15 पंद्रह विलेज का हेड जो होता था उसे गोपा कहा जाता था और फिर रजूकास होते थे रजूकास ऐसे ही होता जैसे आज का डीएम होता है मैजिस्ट्रेट वैसे रजुकाश अपॉइंट किए जाते थे और उनको असिस्ट करने के लिए होते थे युक्तास ये सारे फैक्चुअल फैक्ट्स हैं इनको ऐसे ही याद कर दीजिए तो ये लोग मिलकर प्रोविंसेस में या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे और देन प्रोविंसेस से मिलके आगे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन चलती है। अब हम मोरियन अम्पायर के जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्लाइड है दैट इज़ मोरियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन जो है इसी स्लाइड से आते हैं देखिए मोरन आर्ट में पिलर्स केव्स एंड स्तूपाज ये तीन चीज़ें मोरन आर्ट में हमने याद रखनी है तो पिलर्स जैसे आपने देखा था कि अशोकन पिलर्स बहुत सारे अशोकन पिलर्स मिले हैं ये पिलर जो था इसका देखिए इस टाइप का आर्किटेक्चर रहता था एक सिंगल शाफ्ट होती थी ये चुनार स्टोन से होता था चुनार स्टोन से बनाया जाता था एक सिंगल शाफ्ट रहता था लंबा सा और उसके टॉप पे ऐसे करके किसी एनिमल का फिगर जो रखा जाता था इस शाफ्ट के टॉप पे और जनरली जो एनिमल होते थे उसमें या तो लाइन होता था या बुल होता था या एलिफेंट होता था जैसे इस फिगर में आप देख रहे हैं ये सरनाथ में था इसमें फोर लाइंस हैं जो बैक टू बैक जुड़े हुए हैं फोर डायरेक्शंस में और इन पिलर्स पे शॉर्ट पे लिखा रहता था उस टाइम के उनके जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा जाता था या धामा के बारे में लिखा हुआ है अशोका के बारे में लिखा हुआ है तो जो भी वो मैसेज देना चाहते थे वो इस पर शॉर्ट्स पर लिख देते थे में इंपॉर्टेंट अशोकन पिलर्स हैं डेली में है अलाहाबाद में है रोमदेही में सांची में सरनाले भी पढ़ा था पिलर्स के इंस्क्रिप्शन एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर जो मोरियन अम्पायर में था दैट इज़ स्तूपा स्तूपा में गौतम बुद्ध के रैलिक्स रखे जाते थे और वहाँ पे आर्किटेक्च बनाया जाता है जिसे कहा जाता है स्तूपा और तूपा का जनरल जो स्ट्रक्चर था वो इस टाइप का रहता है आर्किटेक्चर जब पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे जनरली कि इस तूपा के आर्किटेक्चर में डिफरेंट डिफरेंट जो नेम्स दिए गए हैं तो ये जनरली मैं ऐसे दिखा दिया है कि ये इस टाइप का रहता था केव्स जैसे हमने पहले ही पढ़ा था बराबर केव्स तो केव्स में क्या रहता था दो टाइप के रहते थे एक रहता था विहाराज एंड चैतियाज ये रॉक कट केव्स थी रॉक को कट करके अंदर ऐसे केव्स बनाई जाती थी जहाँ पे मॉक्स मेडिटेशन भी करते थे और जनरल डिस्कशन भी करते थे ये था मोरिन आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड जनरल मोरिन एडमिनिस्ट्रेशन लेक्चर में हम करेंगे सेंट्रल एशियन कंटैक्ट कैसे जो सेंट्रल एशिया से जो इंडो ग्रीक्स थे पार्थियंस थे देन साकाज कुशांस वो कैसे इंडिया आते हैं और फिर अपनी डेंसिटीज़ को एस्टैब्लिश करते हैं आज के लेक्चर के लिए इतना ही अगर लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू